हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल। और आज कोई आज मेकअप, मतलब फुल मेकअप वीडियो नहीं कर रहे। आज हम कर रहे हैं आई एक मेकअप चैलेंज। आई मेकअप चैलेंज। मतलब हमें एक आई मेकअप अचीव करना है जो किटू ने ढूंढ के रखा है। मैं आपको दिखा देती हूँ। स्क्रीनशॉट लिया था कि हम वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ एक चैलेंज वीडियो है, तो उसको ज्यादा वो मत लेना कि ये बहुत ज्यादा मेकअप वाले मतलब बन। बिल्कुल हम वो नहीं कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल ही वैसे ही सेम आई मेकअप चाहिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम वैसे ही अचीव कर सके। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है सो कुछ ऐसा इस टाइप का दिख रहा है, ग्रीन एंड प्लस मैजेंटा मिक्स विद ग्लिटर शेड। तो हम भी कोशिश करेंगे कि क्लोजली इसको अचीव कर पाए। बाकी देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है। और उसके साथ साथ ये ब्रशेस का रिव्यू भी हो जाएगा कि कैसे हैं। और हम इस मेकअप के लिए यूज़ कर रहे हैं अपना ये वाला पैलेट, न्यूड शेड का। एक है कलर बोर्ड का और एक है हुडा ब्यूटी का। सो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक के प्रेप प्राइम से। थोड़ा सा ताकि स्मूथ हो जाए। स्किन को भी हाइड्रेट करने के लिए, ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा लगाना है। क्योंकि ड्राई आईज में मेकअप इतनी जल्दी स्टे नहीं करता है, मतलब बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है तब जाके मेकअप थोड़ा सा स्टे करेगा। तो हम इसको थोड़ा सा हाइड्रेट कर देंगे, थोड़ा सा स्टिकी बना देंगे। कुछ सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने आई मेकअप के साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने कंसीलर के साथ, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो हमारे आईज का ये जो एरिया होता है ये थोड़ा सा डार्क होता है, तो उसको सेम कलर के साथ मैच करने के लिए हमें कंसीलर यूज करना पड़ता है। और बेसिकली आई शेडो थोड़ा ज़्यादा रिफ्लेक्ट करे इसलिए हम कंसीलर का यूज करते हैं। मैं यहाँ पर ओके लिक्विड वाला यूज करूंगी, बस थोड़ा सा इजी टू स्प्रेड होता है ये। और मैं इसको आईब्रोज के भी नीचे, आप ये देखोगे लाइन है उसके नीचे भी लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे आईब्रोज को भी थोड़ा सा हाईलाइट करना है, तो मैं हर जगह इसको स्प्रेड करूंगी। कंसीलर के बाद हम यूज कर रहे हैं इसमें न्यूड शेड का आई शेडो टू मेक अ फेस। सेम स्किन कलर का, तो मैं ये वाला स्किन टोन यूज कर रही हूँ, कलर टोन यूज कर रही हूँ। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस कलर बोर्ड का जो पैलेट है। सो आप देख सकते हैं इसमें सारे कलर्स, इवन थोड़े ब्राइट कलर्स भी आपको दिखेंगे इसमें, फ्लोरेसेंट टाइप भी आपको दिखेंगे सी। तो हमें सबसे पहले जो बेस करना है वो हमें करना है ग्रीन। तो ग्रीन में हम दो कलर शेड हम मिक्स करेंगे, जो कि है बेसिकली ग्रीन को थोड़ा ब्राइटर वे में लाने के लिए हमें उसमें येलो मिक्स करना पड़ेगा। तो आई गो विद दिस कलर एंड आई थिंक आई गो विद दिस कलर। सो देखते हैं कैसा आता है शेड। ये म्यूजिक को थोड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि हमारे घर में काम चल किचन में रहा काम है। चल रहा है, तो वो मिक्सी की आवाज है।
का शेड कंप्लीट हो गया है। अब हमें जो शेड चाहिए वो ये है, बट हमारे पास डार्क कलर नहीं है तो हम कोशिश करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है उससे थोड़ा क्लोज बनाने की। तो व्हाट वी आर गोना डू दिस, लाइक वी विल यूज दिस कलर एंड वी विल मिक्स इट विथ डार्क पर्पल ताकि हम थोड़ा सा ये वाला कलर मैच कर सकें। तो लेट्स सी कैसा आता है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे कंसीलर क्योंकि हमें इसको कट क्रीज देना पड़ेगा क्योंकि ताकि दो कलर मिक्स ना हो जाए, तो दूसरा कलर को अच्छे से रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा इस पे बेस कलर लगाना पड़ेगा। तो हम इसको लिक्विड कंसीलर से बेस देंगे। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप देखोगे कि जो ऊपर वाला कलर है वो थोड़ा थोड़ा नीचे भी मिक्स हो गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए और उसको दूसरे शेड को हाईलाइट करने के लिए हमें कंसीलर यूज करना जरूरी है। सो अब हम यूज करेंगे डार्क पर्पल शेड, फिर उसके ऊपर हम यूज करेंगे पिंक कलर। देखिए ये पर्पल बेस हो चुका है हमारा। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे अपना पिंक। इसलिए अगर एक चीज़ और भी, अगर आप डार्क आई शेडो दे रहे हो तो भी फेस बेस मत बनाना क्योंकि यही होता है, कलर फैलता है बाद में, आप उसको सही नहीं कर सकते। पहले आई मेकअप करो फिर उसके बाद बेस मेकअप करो। अगर लाइट कलर्स हैं जैसे गोल्डन वगैरह वो आपका नीचे नहीं जाएगा, वो तो यहीं रहेगा। मिक्स अगर जाता भी है तो वो मर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बेस फेस का कम्प्लीट है और उसके बाद फैलता है, आप कुछ नहीं कर सकते, पूरा मेकअप और टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। देख रहे हो, इसलिए फेस मेकअप नहीं किया था, पहले आई मेकअप ही किया था। थोड़ा थोड़ा देखो जा रहा है, आई थिंक ऑलमोस्ट जा रहा है, लेकिन डार्क हम वैसा नहीं ला सकते क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास वैसा कलर है। और वाइप्स जरूर रखा करो अपने पास, वैसे भी मेकअप के लिए नहीं, वैसे भी गर्मियों में सर्दियों में जब भी बाहर जा रहे हो कोई ट्रेवल कर रहे हो तो वाइप्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ये हुआ ना क्लीन ऐसे। Now, अब हम जाएंगे अपने लाइनर के साथ क्योंकि इसमें आप देखोगे जो लाइनर है थोड़ा सा विंग उसमें है। तब ये देखो यहाँ पर कैसे स्पॉट इन लोगों ने डॉट्स दिए हुए हैं बीच में। हमने अब
लाइनर लगा लिया। अब मैं इसमें यूज करूंगी जिसमें जैसे फोटोग्राफ में डॉट्स बनाए गए हैं वैसे मैं वो डॉट्स बनाना स्टार्ट करूंगी इस टाइप से। ये देख सकते हैं आप जैसे डॉट उसमें दिए थे वैसे ही करे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ग्लिटर लाइन से जो बिल्कुल इस क्रीज लाइन के ऊपर दिया गया है। हमारा फाइनल लुक ऑफ आई तैयार है, देख सकते हैं आप। हमने बहुत कोशिश करी है इसको क्लोजली अचीव करने की। सो सी, सो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास पैलेट में सेम कलर नहीं है तो आपको मिक्स एंड ब्लेंड करके भी लगा सकते हैं। तो सी देखिए, हमने दो शेड्स ऊपर यूज करे हैं, दो शेड्स नीचे यूज करे हैं, जस्ट मस्कारा, लाइनर एंड ग्लिटर, एंड यू आर गुड टू गो। तो अगर आप चाहते हो कि हम आगे भी ऐसे ही मेकअप चैलेंजेस और मे बी हम हम आउटफिट चैलेंज भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि किसी का हमें लुक अचीव करना है तो हम वैसे भी कर सकते हैं, तो आप हमें बताइएगा आपको हमारा ये आई मेकअप चैलेंज कैसा लगा। और अगर आपके पास भी कोई चैलेंज है हमारे लिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम वैसे ही क्लोजली अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो किड्डू कैसा लगा तुम्हें ये आई मेकअप? बहुत अच्छा लगा। और आई मेकअप क्या था, साइड में आपको फोटो दिख रही होगी, देखो उससे बिल्कुल मिलता जुलता ही किया है, कहीं कुछ गड़बड़ हो तो आप बता देना। हमने लैशेस नहीं लगाई है, बस ये है कि लैशेस नहीं यूज करी है, लैशेस लगाते तो बिल्कुल सेम डिप्टो वही जाता, क्योंकि अभी मुझे आंख में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो तो मैंने बस सबने चैलेंज के लिए कर लिया वीडियो, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने लैशेस का यूज नहीं करा है, क्योंकि थोड़ा सा एलर्जी हो सकती है क्योंकि हम ग्लू यूज करते हैं और लैशेस थोड़ा सा उसको प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं। तो अगर लैशेस होते तो सेम लुक आता, लेकिन हमने शेड्स देने की कोशिश करी है। तो आप हमें बताइएगा आपको हमारा ये मेकअप कैसा लगा, एंड प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित। टिल देन, बाय बाय।